अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपने अपने घर पे बहुत खुश होंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ ब्रांड न्यू वीडियो। अच्छा, आज की वीडियो में मेरे पास करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन मेरे पास आप लोगों से बात करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है बहुत छोटी सी बात लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम सबको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए उस पर। ठीक है, तो मुझे ये इम्पॉर्टेंट लगी और मुझे लगा कि मुझे ये अपने व्यूअर्स और अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर करने के लिए सोचा और मैं आ गई वीडियो बनाने के लिए। सो मेरी बात को सुनने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे पास एक स्टोरी है आप लोगों को सुनाने के लिए। ठीक है, और एक स्टोरी जो है वो बहुत सिंपल सी, बहुत छोटी सी स्टोरी है, बच्चों वाली मेरी तरह। ठीक है जी, तो चलते हैं स्टोरी सुनते हैं। अच्छा, स्टोरी कुछ ये है कि हाँ, तो स्टोरी जो है वो कुछ ऐसी है कि एक आंटी होती हैं, खातून होती हैं, वो घर से अपने जो है वो सारा सामान लेने के लिए ना बाहर जा रही होती हैं। तो जैसी वो बाहर जा रही होती हैं, तो वो देखती हैं कि उनके घर के बाहर ना तीन लोग बैठे होते हैं। थ्री पीपल वर सिटिंग आउटसाइड ऑफ हर हाउस। ठीक है, तो वो थ्री जो पीपल होते हैं वो उनको कहते हैं कि तुम हमें अपने घर में मेहमान बना के बुलाओ। तो वो आंटी कहती हैं, वो खातून कहती हैं कि जो है अभी मेरे हस्बैंड नहीं है घर पर, तो जब वो आएंगे तो मैं उनसे पूछ के ही आपको बुला सकती हूँ, उनसे बगैर पूछे मैं आपको नहीं बुला सकती। ठीक है, इतनी बात हो जाती है, आंटी अपने घर में वापस आ जाती हैं। जब रात को उनके हस्बैंड आते हैं तो आंटी जाके, अच्छा वो लोग बाहर ही बैठे रहते हैं। ठीक है, जब तक तो जो है, जब आंटी जाके अपने हस्बैंड को बताती हैं कि जी बाहर तीन लोग बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें अपने घर में बुला, और इन तीन लोगों के आंटी जाके नाम पूछ के आती हैं। तो वो नाम होते हैं मोहब्बत, इज्जत और दौलत। ठीक है, तीन लोग होते हैं, वो अपना नाम ये बताते हैं। तो आंटी आके अपने हस्बैंड को भी नाम बता देती हैं कि जी मोहब्बत है, इज्जत है और दौलत है, और वो कह रहे हैं कि हमें अपने घर में जो है मेहमान बना के बुलाओ। तो जो है वो अंकल कहते हैं, हस्बैंड उनके जो होते हैं वो कहते हैं कि जी हाँ आप बुला लो उनको, उनके हम मेहमान नवाजी कर लेते हैं। ठीक है, वैसे भी आपको पता है हम लोग कितने मेहमान नवाज ही होते हैं। तो वो अंकल भी बहुत अच्छे होते हैं, वो कहते हैं जी बुला लो उनको। आंटी बाहर जाती हैं, आंटी कहती हैं कि जी आ जाएं और है ना आप हमारे मेहमान बन जाए, मेरे हस्बैंड आ गए घर पर। तो वो कहते हैं भाई हम तीनों नहीं आएंगे, हम में से आपको ना चूज करना पड़ेगा कि कोई एक ही आए। ठीक है, तो वो कहती हैं कि अच्छा तो हमें चूज करना पड़ेगा, तो फिर मैं जो है ना जाती हूँ अपने हस्बैंड से ज़रा पूछती हूँ कि कौन किसको हम बुलाएं। ठीक है, तो क्या होता है कि फिर वो जाती हैं अपने घर के अंदर जा, और अंकल से वो बोलती हैं कि भाई वो तो कह रहे हैं कि हम तीन नहीं आएंगे, हम तो ना कोई एक ही बंदा आएगा। ठीक है, तो अच्छा आपको पता है मैं जल्दी जल्दी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि वीडियो छोटी बनाया करो, तो इसलिए जल्दी बोल रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को समझ तो आ रहा होगा आई होप। तो वो आंटी जाती हैं और अपने हस्बैंड को बता देती हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि कोई एक बंदा आएगा। तो वो पूछते हैं कि अच्छा तीनों के नाम क्या है, तो वो बताती हैं कि मोहब्बत है, इज्जत है और दौलत है। तो जो है वो तीनों, वो कहती हैं कि किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। तो हस्बैंड उनके जो चूज़ करते हैं, वो कहते हैं कि चलो जी हम ना मोहब्बत को बुला लेते हैं अपने घर में। ठीक है, हमारे घर में भाई मोहब्बत आएगी, हमें सबको एक दूसरे से मोहब्बत होगी। ठीक है, वो बहुत अच्छी बात होगी। तो क्या होता है कि तो वो आंटी कहती हैं कि तो फिर क्यों ना हम जो है वो दौलत को बुलाएं, हमारे घर में पैसा आएगा, हमारे घर में दौलत आएगी। तो जो है अंकल कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन ना अंकल और आंटी की ना एक बहू होती है। ठीक है, वो कहीं बैठी होती है पीछे साइड में, तो वो कहती है कि अब्बा जी हम लोग फिर क्यों ना हम इज्जत को अपने घर बुला लें उनमें से। ठीक है, इज्जत ज़्यादा अच्छा होगा, हमारे घर में इज्जत आएगी, हम सब एक दूसरे की इज्जत करेंगे। ठीक है, तो अंकल कहते हैं हाँ बहुत अच्छी बात है जी, हम अपने घर में इज्जत को बुला लेते हैं। तो जाओ, अपनी बेगम को कहते हैं जाओ और जाके ना इज्जत को बुला लो। ठीक है, तो वो जाती हैं, बाहर जाती हैं और कहती हैं कि ना इज्जत कौन है आप तीनों में से, उनकी हम मेहमान नवाजी करेंगे। तो जैसी इज्जत आने लगती है ना हमारे घर के अंदर, खड़े होते हैं इज्जत, तो जो है ना क्या होता है कि पीछे पीछे मोहब्बत और दौलत दोनों ना उनके साथ आने लगते हैं। तो वो कहती हैं आपने तो कहा था कि कोई एक आएगा, कोई एक शख्स आएगा। तो जो है वो मोहब्बत और दौलत कहते हैं कि देखें जहाँ इज्जत जाती है ना वहाँ मोहब्बत और दौलत हम लोग इसके साथ साथ जाते हैं। तो अगर आप मोहब्बत को सिर्फ चूज़ करती तो सिर्फ मोहब्बत आ जाती, अगर आप सिर्फ दौलत को चूज़ करती तो सिर्फ दौलत आ जाती, लेकिन आपने इज्जत को चूज़ कर लिया, अब हम तीनों ही आएंगे। तो उनके घर वाले तो चाहते ही ये थे कि पहले कि तीनों ही आए हमारे घर में, हमारे हम उन तीनों की मेहमान नवाजी करें। तो उनका क्या होता है कि उन्होंने बिल्कुल सही चीज़ को चूज़ किया होता है, इज्जत को। तो वो मोहब्बत और दौलत उनके उसके साथ दोनों के साथ उसके साथ दोनों आती हैं। ठीक है, तो वो खुश हो जाते हैं। और फिर इससे हमें मैसेज क्या मिलता है, इस स्टोरी से हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें इज्जत करनी चाहिए एक दूसरे की,
एक दूसरे को इज्जत देनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे को इज्जत देंगे तो मोहब्बत और दौलत ये दोनों चीज़ें हमारे घर में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हमारे घर में आएंगी और हमारे घर में खैर बरकत आएगी, और हमें एक दूसरे से इज्जत करेंगे तो एक दूसरे से प्यार भी करेंगे और घर में खैर बरकत भी आएगी और दौलत भी आएगी। ठीक है जी, आज की मेरी ये छोटी सी स्टोरी थी, आई होप आप सबको पसंद आई हो। और अगर आप सबको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप सब के कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, मैं उसको सबको हार्ट देती हूँ, सबको लाइक करती हूँ, और जो है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।